नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ समय पहले आया था, उसी से रिलेटेड है। ये जजमेंट में जो मैटर था वो है, क्या अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और 98A ऑफ IPC का जो सेक्शन है उसके अंदर अगर फाइल करती है और ये कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में अगर प्रूव नहीं होता है, तो क्या एक ये केस जो है एक ग्राउंड बन सकता है हस्बैंड के लिए कि वो अपने वाइफ से इस ग्राउंड के बेसिस पे कि क्रुएल्टी एंड मेंटलनेस के बेसिस पे वो वाइफ से डिवोर्स का केस फाइल कर सके या नहीं कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का जजमेंट और अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया, ये डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच गठित किया गया था और उस बेंच में दो जज थे। मीन्स ये दो जज की बेंच थी, उसमें दो जज के जो बेंच थे उस बेंच के ने डिसाइड किया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर हस्बैंड के ऊपर होता है, अगर ये ट्रायल कोर्ट में प्रूव नहीं होता है तो इस ये मैटर बन सकता है, एक काज बन सकता है हस्बैंड इसका यूज करके इसका उसका वाइफ के अगेंस्ट पेटिशन फाइल करे डिवोर्स का। तो मैटर क्या था डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। जो ये मैटर एक रानी नरसिम्हा मिस्ट्री एंड सॉरी रानी रानासिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी शीला रानी का केस है। इनके वाइफ ने जो है नरसिम्हा शास्त्री के वाइफ ने ट्रायल कोर्ट में एक पेटिशन डाली थी, वो डिवोर्स का पेटिशन डाली थी, सॉरी वो डोमेस्टिक वायलेंस का पेटिशन डाली थी 498A ऑफ IPC का। जब ट्रायल चला और ट्रायल में पाया गया कि जो है वो वाइफ ने जो डिवोर्स सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस 498A का जो केस लगाए थे हस्बैंड के ऊपर, उसमें जो है वो गिल्टी नहीं है और इस बेसिस पे जो वहाँ ट्रायल कोर्ट ने उसके हस्बैंड को जो ना एक्विट कर दिया, मीन्स बरी कर दिया। बरी करने के बाद जो है ना फिर हस्बैंड फील किया कि क्रुएल्टी मेरे ऊपर हुआ है और फिर मेंटल इलनेस हुआ है, तो क्रुएल्टी के बेसिस पे इन्होंने को मैटर बनाते हुए इन्होंने लॉर्ड कोर्ट में जो पेटिशन फाइल किया कि हमें जो ना डिवोर्स मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो है क्रुएल्टी, क्योंकि जो है ना मैरिज एक्ट का जो है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ सब क्लॉज 1A जो है आता है कि क्रुएल्टी के बेसिस पे ग्राउंड बन सकता है या क्रुएल्टी एक ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स लेने के लिए। तो यही जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ सब क्लॉज जो है 1A के बेसिस पे इन्होंने पेटिशन डाला लोअर कोर्ट में, लेकिन लोअर कोर्ट ने इनके पेटिशन को जो है वैलिड नहीं माना और पेटिशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इन्होंने हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट भी जो है इसी तरह का इनका रिजेक्शन हो गया। उन्होंने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में ऐसा कहा गया कि एक क्रुएल्टी नहीं माना जा सकता और जहां तक रेस्पोंडेंट की मेंटल इलनेस की बात है तो रेस्पोंडेंट एज ए लेक्चरर है संस्कृत की और किसी कॉलेज में थी, मीन्स उसकी वाइफ जो है किसी कॉलेज में संस्कृत के लेक्चरर थी, तो इस बेसिस पे वाइफ को मेंटल इलनेस नहीं बता सकता है। और ऐसा भी और ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो लगाया गया था 498A
और प्रूफ नहीं हुआ तो इनको क्रुएल्टी भी नहीं माना जा सकता है। तो इनका लोअर कोर्ट में भी केस रिजेक्ट हो गया और हाई कोर्ट ने भी केस रिजेक्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो गए, जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में दो जज की बेंच ने इनको इनके मैटर को लिया और इनके मैटर को जो है दोनों बेंच दो सॉरी दोनों जज ने गंभीरता से देखा। इसमें जो है दो जज जो थे वो अशोक भूषण जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस नवीन जैन थे। तो जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस नवीन ने जो है इन्होंने पाया कि क्रुएल्टी बनती है, मेंटल इलनेस की बात हो या नहीं हो, लेकिन जो है क्रुएल्टी बनती है क्योंकि वाइफ ने इन पे जानबूझ के इनको टॉर्चर किया और इन उनको जो है पूरा ट्रायल पेश करना पड़ा और सोसाइटी में इनका बदनामी भी हुई और बदनामी होने के कारण और सोसाइटी में बदनामी होने के कारण और फिर इनको पूरा ट्रायल पेश करना पड़ा और उसमें उनको टाइम देना पड़ा, तो इनके टाइम का भी मिसयूज हुआ। तो ये सब बेसिस को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्व किया कि 498A जो है लगाया गया था वाइफ के द्वारा इनके ऊपर, वो एक क्रुएल्टी का मैटर बनता है और उससे ये ग्राउंड बन जाता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स का पेटिशन फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि अगर कोई वाइफ जानबूझ के 498 लगाती है किसी हस्बैंड के अपने हस्बैंड के ऊपर और ये अगर ट्रायल कोर्ट में जो है अगर प्रूव नहीं हो पाता है और वो ट्रायल कोर्ट उनको जो है एक्यूट कर देती है कर देते हैं, तो फिर जो है ना अगर हस्बैंड चाहते हैं तो वो डिवोर्स का मैटर फाइल कर सकते हैं। इस मैटर जो है ना इस तरह का प्रोसेस जो वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर लगाया गया था ये क्रुएल्टी का मैटर बन सकता है और क्रुएल्टी का मैटर बनाते हुए डिवोर्स का ग्राउंड बना के ये डिवोर्स का पेटिशन फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।